इस वक्त भोजपुरी गायक पवन सिंह की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से पवन सिंह ने मना कर दिया है। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सलमान खान कहे जाते हैं। इतनी ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने के बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ने से आखिर क्यों मना किया, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। हाल ही में बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें पश्चिम बंगाल की 42 में से 20 सीटों से उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए। पार्टी की तरफ से भोजपुरी गायक और पावर स्टार के रूप में मशहूर पवन सिंह को आसनसोल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन बेस है। पवन सिंह की लोकप्रियता का आलम यह है कि उनका गाना यूट्यूब पर रिलीज होते ही एक दिन में 4 से 5 मिलियन व्यूज बटोर लेता है। ऐसे में जब आसनसोल से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो कई लोग ऐसे थे जिनको बहुत आश्चर्य हुआ। लोगों का कहना था कि पवन सिंह को तो आरा से टिकट देना चाहिए था, फिर बंगाल के आसनसोल से क्यों टिकट दे दिया गया। हालांकि आसनसोल में बिहार से जाकर बसने और भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। खैर, पवन सिंह जैसे स्टार की लोकप्रियता ऐसी है कि वे अपने मूल राज्य के साथ ही उन राज्यों में भी अच्छी पैठ रखते हैं जहां भोजपुरी को सुनने और बोलने वाले लोग मौजूद हैं। भोजपुरी के दबदबे को इस बात से समझा जा सकता है कि मनोज तिवारी जैसे भोजपुरी गायक और अभिनेता न सिर्फ दिल्ली से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं बल्कि दिल्ली में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। वहीं पवन सिंह को पार्टी ने जब लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया तो उस पर पवन सिंह ने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। पवन सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर भी ट्वीट किया, उसमें लिखा था कि मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए बीजेपी के सभी महानुभावों का वंदन, चंदन और अभिनंदन। इस पोस्ट को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। अपनी दूसरी पोस्ट में पवन सिंह ने जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार मुझे घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो सवाल उठा कि आखिर 24 घंटे से भी कम समय में ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हालांकि साफ तौर पर इसके पीछे पश्चिम बंगाल में उनकी उम्मीदवारी को लेकर हुआ विवाद वजह माना जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह को टिकट मिलने के बाद से ही टीएमसी ने भोजपुरी गायक की उम्मीदवारी को लेकर हमला बोल दिया था। तृणमूल कांग्रेस पवन सिंह के जरिए बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाने लगी थी। पार्टी समर्थकों का कहना था कि पीएम मोदी एक तरफ तो नारी शक्ति के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला विरोधी, महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को चुनाव मैदान में उतारने लगते हैं। दरअसल पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, एक मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री के साथ उनके दुर्व्यवहार की खबरें भी मीडिया में सुर्खियां बनी थीं। टीएमसी का कहना था कि बंगाल की महिलाएं आपको करारा जवाब देंगी, यानी बीजेपी को। विपक्षी दल पवन सिंह को बंगाल से बाहर रखने की मांग कर रहे थे। बंगाल में पवन सिंह के महिला विरोधी अश्लील गानों को लेकर भी विरोध हो रहा था। भोजपुरी में पवन सिंह ने बंगाली महिला को लेकर कुछ गीत और एल्बम बनाए हैं। उनको लेकर पवन सिंह लगातार आलोचना का सामना कर रहे थे। विरोधियों का कहना था कि पवन सिंह ऐसे वीडियो बनाते हैं जो बेहद अश्लील होते हैं, स्त्री विरोधी होते हैं और स्त्री वेशी होते हैं, यानी महिला विरोधी होते हैं। अपने वीडियो में पवन सिंह बंगाल की महिलाओं को निशाना बनाते हैं, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या इसी वजह से पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे को लेकर टीएमसी सरकार पर लगातार आक्रामक बनी हुई है। संदेश खाली के मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया था, उस पर निश्चित रूप से टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही थी। बीजेपी ने शाहजहां शेख के मुद्दे पर ममता को घेरने का कोई मौका नहीं गवाया था।
पीएम मोदी ने भी बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार को खूब घेरा था। बंगाल में संदेश खाली के जरिए बीजेपी महिला सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात पर आगे बढ़ रही थी। बीजेपी इस चुनाव में भी इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने की रणनीति में जुटी है। ऐसे में पवन सिंह की उम्मीदवारी के बाद महिला अस्मिता और सम्मान का मुद्दा उठने पर उसे निश्चित रूप से नुकसान हो सकता था। ऐसे में विवाद बढ़ना पार्टी के हित में नहीं था। इसका असर बंगाल के साथ ही बिहार के सीमावर्ती राज्यों में भी देखने को मिल सकता था। इसलिए कहा जा रहा है कि इसी वजह से पवन सिंह पीछे हट गए। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नाम शामिल थे। बीजेपी ने इस बार की उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 भोजपुरी अभिनेताओं पर दांव लगाया था। उसमें से 3 दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन पहले से ही बीजेपी के सांसद हैं। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की थी। पवन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले हैं। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था। फिलहाल यहां से शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। खैर, अब आपको आसनसोल सीट का जल्दी से गणित भी समझा देते हैं। दरअसल 2014 के चुनाव से पहले सीपीएम लगातार 30 साल तक यहां जीतती रही थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के जाने माने गायक बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारकर तमाम समीकरणों को गलत साबित करते हुए ये सीट जीत ली थी। यही नहीं, इलाके के वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी ने पहली बार संसद में पहुंचने वाले बाबुल सुप्रियो को मंत्री भी बना दिया था। उसके बाद 2019 में भी बाबुल यहां से जीत कर आए और यह सिलसिला बरकरार रखा। लेकिन 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद बाबुल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बाबुल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस खाली सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए बिहारी बाबू कहे जाने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा था। उस उपचुनाव में बिहारी बाबू ने बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को करीब 3 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। यह भी दिलचस्प है कि 3 दशक तक वामपंथियों का गढ़ रहे इस लाल किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ही पहली बार बाबुल सुप्रियो के तौर पर स्टार पावर का इस्तेमाल कर कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी उसी के तर्ज पर बिहारी बाबू के सहारे इस पर कब्जा जमाया था। शायद इसी सोच के तहत पवन सिंह को दूसरे दावेदारों पर तरजीह दी गई और उन्हें मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब पवन सिंह के उम्मीदवार न होने पर पार्टी किसे मैदान में उतारेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पार्टी अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से रणनीति भी बनाई जा रही है और वो आगे आने वाले समय में कौन सी रणनीति होगी जिससे तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त दी जा सकेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।